सागर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम का शिलालेख तोड़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस वारदात से कांग्रेस अब फ्रंट पर आ गई है। कांग्रेसजनों ने थाना मोतीनगर पहुंचकर नरियावली विधायक सहित प्रशासनिक अमले पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सागर जिले के नरियावली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रजुआ स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के शासकीय भवन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नाम का लगा शिलालेख तोड़ने के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी, नगरी निकाय चुनाव प्रभारी पीसी शर्मा, सह प्रभारी मनीषा दुबे सहित कांग्रेस नेताओं ने मोतीनगर थाने पहुंचकर नगर पुलिस अधीक्षक प्रजापति को शिलालेख के टूटे टुकड़े और आवेदन सौंपे। शिलालेख तोड़ने वालों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। अधिनियम ये कहता है कि जिसने भी ये जोड़ा है वो अपराध है। आप जांच करा लें और जांच करा के यदि ऐसा पाया जाता है कल कार्यक्रम भी है, किसान धरना का। हमारा तो ये है, आप मौका दोगे हमें और राजनीति करने का तो हम लोग तो फ्री हैं। आप नहीं कर रहे कार्रवाई, हम मौका ना देंगे तब भी आप हम तो एस पी साहब के हाथ ऑर्डर देंगे कलेक्टर को, आप जांच करा लो जी। हम आपको ही नहीं रहे वहाँ से लेके आए। एस पी साहब की मजबूरी है कि अब विधायक के खिलाफ कर नहीं पाएंगे। नहीं, वो उनकी मजबूरी नहीं है, अपराध जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई करो। आप चाहो तो अनुमति ले लो, इसको यही है कि कानून ही अपना काम। और नहीं करोगे जितने दिन उतने दिन हम लोग नेतागिरी करेंगे, हमें तो मौका मिलेगा। क्यों साहब पहुँच गया उनको कार्यक्रम का, लेट हो जाता कलेक्टर से इसका वास्ता नहीं, इसका लेट हो जाता है पुलिस को। अभी तो हमने सोचा यहाँ आपका तो वहाँ नाम चल रहा था रविंद्र, वहीं तो आप यहाँ वही आए थे तो नया एक ये कल जो है ग्राम पंचायत रजौया के शासकीय हाई स्कूल भवन में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं उनके द्वारा लोकार्पित किए गए भवन पे लगे शिलालेख को इस क्षेत्र के विधायक प्रदीप लारिया और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में एक राय होकर तोड़ दिया गया। इस तरीके के शासकीय भवन में लगे शिलालेख को तोड़ना सीधे सीधे तौर पर कानूनी अपराध है। इस अपराध को कारित करने के लिए आरोपी विधायक और प्रशासनिक अमले के खिलाफ आज हम लोगों ने थाने में हमारे कांग्रेस पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ आकर थाने में FIR करने के लिए आवेदन दिया है, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने की मांग की है। यदि पुलिस आपकी बात को नहीं मानती है तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी? निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी की यह मांग जो कि निष्पक्ष और न्यायप्रिय मांग है प्रशासनिक अधिकारियों ने नहीं सुनी तो हमें मजबूर होकर कांग्रेस पूरे के पूरे SP कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय का घेराव कराकर दोषियों पर कार्रवाई कराने से नहीं चुकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।